राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, आप भी वहीं थी, मैं भी वहां था, हमारा ये सौभाग्य था कि हमें वो मौका मिला। क्या आपको लगता है राम मंदिर इस चुनाव में विषय है, क्योंकि आप हर जगह जय श्री राम के नारे भी लगाती हैं, हम बाकी भी रैलीज में जाते हैं, वहां पर भी इसी तरह होता है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में, जेपी नड्डा साहब की रैली में भी होता है, तो राम मंदिर क्या मुद्दा है या फिर भावना का विषय है? एक तो ना मुझे कई बार ना मासूम सवाल जो मीडिया वाले पूछते हैं ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जी वो वाकई में इतने मासूम हैं कि अच्छा, आपको मैं चालाक दिख रहा हूं। जो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा हो कि हम राम मंदिर बनवा के देंगे, और इसी हिमाचल से ऐलान हुआ था, पालनपुर से। नेचुरली आप ऐसी बातें पूछते हैं, अगर अगर उनके मैनिफेस्टो में ये है कि वो जो देश की जो एक देश की जो एक चेतना शक्ति जो है उसने एक एक संघर्ष पूरा खड़ा किया है, एक पूरी जो मूवमेंट हुई थी जो अशोक सिंगल से लेके जो एल के अडवाणी जी ने जो करी थी जिसमें अटल जी भी थे पूरी, तो वो जो मूवमेंट है आप उसको अंडरप्ले नहीं कर सकते कि फ्रॉम नोवेयर जो है ये राम जी का मुद्दा नहीं, एक मूवमेंट हुई थी भाई, वहाँ जलियांवाला बाग की तरह गोलियाँ चली थी, वहाँ कारसेवक मरे थे, तो उसके बाद में अगर एक देश है वो कह रहा है कि भाई हमारे रामलला जो वो टेंट में सोए हुए हैं, और एक पार्टी है वो कहती है कि आप हमें, और ऐसा नहीं है कि दे आर इन पावर और दे फ्रॉम स्क्रैच, तो पार्टी ने राम मंदिर बनाया है देश के लिए या देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड टू थिंग्स, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात या देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए, अब इन बातों को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं? मेरा मानना है और जो प्रत्यक्ष है, देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए, है ना, तो अब राम मंदिर ही राम मंदिर है सब जगह, ये देश की चेतना शक्ति का ये कमाल है जो राम मंदिर बन के आया है। मेरा अगला अगला सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस दौर के चुनाव में, खासतौर पर 2024 में, राष्ट्रवाद भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जिस तरह से विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर अटैक करता है कई मुद्दों को लेकर, क्या आपको लगता है कि वो विषय भी हैं, बेरोजगारी, महंगाई? राष्ट्रवाद जो है वो एक एलियन कॉन्सेप्ट था हमारे देश के लिए, कि मुझे जो है एक अपने देश के प्रति जो है वो एक प्रेम होना चाहिए और सेंस ऑफ जो है इंटेग्रिटी और प्राइड होनी चाहिए, ये इसी को नेशनलिज्म कहते हैं ना, कि माय कंट्री इज द बेस्ट, दैट इज एसेंशियली नेशनलिज्म, तो ये जो भावना है, ये भावना को कहीं ना कहीं जो है वो हीनता से जोड़ा गया था। आप सोच लीजिए जो उनकी क्या मानसिकता होगी जो इस भावना को हीन समझते हैं, कहीं ना कहीं उनके उद्देश्यों में, उनके जो लक्ष्य हैं कि इस देश के टुकड़े होने चाहिए, उसमें जो है ये जो हमारे देश ये भावना जो उठ के आ रही थी उसमें ये एक रोड़ा बन रही थी, तो इस भावना को हीनता से जोड़ा गया था। ये एक पार्टी है जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, और उससे क्या है ओवरऑल जो है हमारी, चाहे वो स्टार्टअप्स हो गए, इकोनॉमी हो गई, या सेना बल हो गए, या सीमाएं होगी, उनको एक सशक्तिकरण मिलता है, तो नेचुरली सी बात है ये इनका मेन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रवाद जो है वो मेन एजेंडा है, तो राष्ट्रवाद एक हो गया, और नंबर टू हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया के लिए देखने के लिए 11वें नंबर से 5वें और 3रे नंबर पे जाने के कगार पे है, तो नेचुरली जो है हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, और उसमें जो है अगर आपको बाल की खाल खींचनी है दो लोगों को पकड़ के कि भाई ये बेरोजगार है, तो जो आप 60 सालों में नहीं कर सके उससे कई ज्यादा 10 सालों में करके दिखाए, आप और भी करके दिखाएंगे। महिला सशक्तिकरण पे आपने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब फिल्मों के जरिए, अब आप राजनीति में हैं, हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, उनके साथ एक सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार हुआ, शिकायत उसकी हुई, अरविंद केजरीवाल के पीए को अरेस्ट कर लिया गया है, और आम आदमी पार्टी कहती है सब कुछ बीजेपी ने करवाया है, इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ दयाल, मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक तो एक सीएम है वो भी, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि एक पेरोल पे एक सीएम है, जिस बाहर आए हैं बेल पे, इंटरिम बेल, सॉरी इंटरिम, हाँ जो एक सीएम है वो इंटरिम बेल पे बाहर आए हुए हैं और कहते हैं कि मैं जो है वो सत्ता नहीं छोड़ूंगा, और उनकी जो है ये आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद उनके खुद के पीए उनकी बीटिंग करते हैं, उनके खुद के पीए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की आत्मा उनके हाथों में घुसकर उनकी बीटिंग करे, किस तरह की बात है मुझे समझ नहीं आता है। आई फेल्ट वायलेटेड, आई वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द इंटायर इंसिडेंट्स, यू नो आई वॉज सो वायलेटेड दैट आई वॉज शेकन, हाउ कैन एनी बडी रेज हैंड ऑन एनी वन ए एंड
besides being in like a public servant, you are supposed to be the protector of the democracy. You are the एक तरह से एक स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वहाँ का राजा होता है, वो उसके प्रजा होते हैं और वो लोग उनके जो भी जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनकी रक्षा करना वो उसका कर्तव्य होता है. और आप जो है इतनी बड़ी वायलेशन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, एक वुमन का जो है शोषण कर रहे हैं, उनके प्रताड़ित कर रहे हैं और स्पेशली वो एक अपने पीरियड्स पे है, तो मैं तो कहूँगी कि ये जो पूरा मुझे वाक्य है ना याद आता है जो महाभारत में जैसे द्रौपदी को जो है व्हेन शी वाज ऑन हर पीरियड्स एंड शी वाज ड्रैग्ड, शी वाज बीटन, तो विनाश काले विपरीत कुदी. चलिए आपने हमें